देखिए, इस तरह की हमें सूचना मिली थी कि सेड़वा थाने में कुछ ग्रामीणों के द्वारा दो व्यक्ति जो एक किसी शादी समारोह में हुड़दंग कर रहे थे, उनको मतलब उन व्यक्तियों की सूचना पे पुलिस उनको लाई थी और उन दोनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड थे और उन दोनों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करने के लिए ग्रामीणों ने दिया था। उसके बावजूद पुलिस ने उनका जो ड्यूटी ऑफिसर थे SI और एक कांस्टेबल, उन्होंने उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया और उनके पास एक फॉर्चूनर गाड़ी थी जिसके इंजन नंबर और चेसिस नंबर खराब मिटाए हुए हैं, जो प्रथम दृष्टया चोरी की लगती है। उसको MV एक्ट में जब्त किया गया, जबकि उसको नियमानुसार 102 में जब्त करके और सभी थानों को मैसेज दिया जाना चाहिए था कि वो चोरी की गाड़ी एक मिली है। तो FIR ना दर्ज करना और मुलजिमों की जो गाड़ी है उसको MV एक्ट में जब्त करना, ये दो आरोप प्रथम दृष्टया जो CO से जाँच कराई गई इस मामले की उसमें प्रमाणित पाए गए, इस पर ASI और कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि उस गाड़ी में एक कोई नारकोटिक सब्सटेंस था जिसको भी उनके द्वारा खुदबूत किया गया, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। इसकी विस्तृत जांच एडिशनल SP बाड़मेर द्वारा करवाई जाएगी और उसके तथ्यों के आधार पर जो कार्रवाई होगी, पर प्राथमिक तौर पर जो लापरवाही सामने आई उसको देखते हुए उन दोनों को निलंबित किया गया। सर, गाड़ी में कोई संदिग्ध चीज़ मिली? नहीं, अभी गाड़ी में उन्हें, यही तो मैं कह रहा हूँ, ग्रामीणों का ये आरोप था कि गाड़ी में कुछ अफीम था, पुलिस का कहना है कि कुछ भी नहीं था, तो अब वो जांच से क्लियर होगा कि वो था या नहीं था। अभी तक वर्तमान में अभी उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं। ठीक ठीक है सर, धन्यवाद।